चुड़ैल का बंगला। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा बंगला था, जिसे लोग चुड़ैल का बंगला कहते थे। हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के युवा राहुल ने उस बंगले के रहस्य को जानने का फैसला किया। रात के अंधेरे में राहुल और उसके दोस्त दीपक ने बंगले में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और जगह जगह टूटी फूटी चीजें थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। राहुल और दीपक ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई चुड़ैल उनकी ओर बढ़ रही है। उसके लंबे बाल और लाल लाल आंखें बहुत भयानक थी। राहुल ने दीपक का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने करुण आवाज में कहा, मैं इस बंगले की मालकिन थी। मुझे मेरे ही पति ने धोखे से मार दिया और मेरी आत्मा यही भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। राहुल ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। चुड़ैल ने उन्हें जाने दिया। अगले दिन राहुल ने गांव में चुड़ैल की कहानी सुनाई और सबने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उस बंगले से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।